नमस्कार साथियों, दिस इज वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, हमारी क्लासेस चालू हो गई हैं। ये मेरी मैथ की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने संख्या पद्धति देखी थी, उसकी पहली क्लास थी, बेसिक चीज़ें देखी थी। और ये हमारी सेकंड क्लासेस में हम थोड़ा सा सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। साथ में बॉड मास का नियम पढ़ेंगे और दोस्तों पढ़ेंगे हम कि इकाई के अंक कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, कोचिंग में मुझे पता है कि बहुत कोचिंग वाले हैं और वो आपको कैसे पढ़ाते हैं कि उन्होंने उनको अपनी कोचिंग चलानी है। एक बता दिया, उसके जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, आपकी क्लास हो गई। मेरे पास इतना ना तो मेरे पास टाइम है इतना, ना ही आपके पास टाइम है। तो साथियों, वन रक्षक इस बार, वन रक्षक, पटवारी, SSC GD, ये तीनों के लिए मोर देन सफिशेंट। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए साथियों, हमारी साइंस की क्लासेस चालू हैं, इंग्लिश की भी चालू हैं और ये मैथ की भी चालू हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और यदि तुमको नौकरी चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ना कर दीजिए चालू। आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। अभी से पढ़ोगे तो ही हो पाएगा। और जब आपकी नौकरी लगेगी ना, तो आपके घर वाले आपसे ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वो सुख अपनी माँ को देना है, तो आप नौकरी लेके उनके जाके चरणों में जाके रखिए कि ये लीजिए माँ, मेरे जॉइनिंग लेटर। उस डबल खुशी होगी, जिस उस आपको जितनी हो रही है उससे ज़्यादा उनको होगी, और उनको जितनी हो रही है उससे भी ज़्यादा आपको होगी। एक दूसरे से ज़्यादा खुशी होगी। तो ऐसे थोड़ा सा खुशी अगर देनी है तो आप जाइए ज्वाइनिंग लेटर लेके। इसके लिए आपको दिन रात तैयारी करनी होगी 4-5 महीने, और आपका सिलेक्शन मैं गारंटेड दे रहा हूँ। चाहे कितने भी गधे हो पढ़ने में, आपको कुछ नहीं आता हो, आपको 4-5 महीने पढ़िए, आप 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की, बॉर्ड मार्क्स का नियम जानेंगे, उसके इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट का रहता है। तो यदि आपके 20 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं, कोई भी कर लेगा, उसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद में आपके आते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, मतलब मीडियम लेवल के, कि जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। वो आपके आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन, समझ में। और आपके दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा टफ ही होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट को बहुत कम आते हैं। तो स्टूडेंट फेल और पास कहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है, समझ में आया। यदि आपने ये बहुत इजी क्वेश्चन में से 10 में से 12 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, यदि आप इसमें से 2 भी गलत कर दिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कॉम्पिटिशन फाइट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सबको आने चाहिए। और ये वही क्वेश्चन है मैं जो कह रहा हूँ पहले, जो 10 से 12 क्वेश्चन में से आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ये आपको रिवाइज करना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो आप इसमें फंस जाओगे। 4 से 6 क्वेश्चन दोस्तों मैं अभी आगे आपको कराऊंगा, और 2 से 4 क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन हैं कि जब हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो और ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे, तब ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। मतलब तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये वाले यहाँ से सिलेक्शन होता है। यदि आपके ये सब सही है, तो ये 2 से 4 क्वेश्चन में से यदि आप टफ में से यदि 1-2 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो आप मेरिट में बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ये जब आपको पेपर में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इस चीज़ का आपको विशेष का ध्यान देना है कि आपको ये वाले क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हो जाए चलेगा, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मीडियम और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो साथियों, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इसका ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन ए दिया हो 1, ऑप्शन बी दिया हो 2, ऑप्शन सी दिया है 3, और ऑप्शन डी दिया है 4, इसका कितना आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं आपको सिखाऊंगा, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देता हूँ। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको आता है 267 यहाँ भी, यहाँ भी, 163 यहाँ भी, यहाँ भी, और सेम टू सेम संख्या यहाँ 267 × 163 ये लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आके मूछ के आपको 4 पर क्लिक कर देनी। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 4 आएगा। सॉल्व कैसे होता है, देखिए बता देता हूँ मैं। इसको ए और बी मानता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला बोलूंगा a² + b² + 2ab - a² + b² - 2ab, ठीक है, ये ऐसे होता है अपॉन a इंटू बी। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करने से कह रहा हूँ आपको, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको 4 लगा देना है, ऐसे क्वेश्चन देख के 4 ही लगा देना है, सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को सीखना हो, तो ऐसा है, जब माइनस का खोलूंगा, माइनस को मैं पूरे में करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा मेरा माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा मेरा प्लस का। तो ए प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, बी प्लस का बी माइनस, बी स्क्वायर माइनस माइनस का कट जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा +2ab, 2ab कितना हो जाएगा 4ab अपॉन ए इंटू बी, बी ए बी सी बीच कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, हमेशा मिलेगा कॉन्स्टेबल दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पेपर में, बिल्कुल 100% बैंक में तो आता ही है, साथ में SSC GD फॉरेस्ट गार्ड और कॉन्स्टेबल में भी
ये आएगा पटवारी में भी आएगा। तो क्या करना है, इन दो, ये देखिए ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल सेम है, तो 6784 जब मैं इसको कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 786 प्लस 214, समझ में आया। अब दोस्त एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो भी संख्या होगी ऐसी होगी वो 101% जोड़ने पर या तो 100 आएगी, 1000 आएगी या 10000 आएगी, यही क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं है। तो 6784 क्योंकि उनको पता है एग्जामिनर को कि मैंने इस क्वेश्चन दिया, जो स्टूडेंट गुणा करने लग जाएगा वो तो बहुत टाइम कंज्यूम कर देगा, और जो स्टूडेंट ये उसको आता है कॉमन लेना तो वही इसको सॉल्व कर पाएगा और उसके लिए ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, कोष्टक हटा के मैं गुणा लूँगा, इनको जोड़ दूंगा, तो यहाँ क्या आएगा कितनी 10, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, समझ में। तो इसका कितना आंसर आएगा 6784 और इतना 1 2 3, ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेपर में यही पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक वर्ड मार्क्स का नियम बता देता हूँ, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे कोई सा पेपर हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको वर्ड मार्क्स से ही मिलेंगे, और स्टूडेंट गलत करते हैं, ये भी है, इसी से गलत करते हैं और इसी से कॉम्पिटिशन में फेल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों वर्ड मार्क्स का मतलब क्या है, पहले इंग्लिश में बताता हूँ मैं आपको, इंग्लिश में ही याद करना है, ठीक है, टफ नहीं है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सबट्रैक्शन, ठीक है। अब हिंदी के स्टूडेंट कहेंगे सर दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी दिक्कत, ब्रैकेट सबको पता है कोष्टक होता है, ब्रैकेट का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफ बस इसका मतलब का या की, ऑफ का की के यदि आता है तो उसका ऑफ मतलब होता है भाई। डिवीजन किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो पढ़ाई छोड़ दो, समझ में है। मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं पता, सबको पता है, और एडिशन ऐड, ऐड मतलब जोड़ होता है, सबको पता है, और सबट्रैक्शन मतलब एस मतलब सबट्रैक्शन मतलब घटाना होता है बेसिक, क्योंकि वर्ड मास में ईजी करना, याद करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब आप हिंदी में का की को करते रहोगे, लेकिन बॉर्ड मास बहुत अच्छा है, मास आह किसी मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, चिकन आह क्या बात है, किस किस के मुंह में पानी आ गया, कमेंट जरूर करिएगा चिकन का सुन के, हैं बकरा मुर्गा वाह। तो ये बॉर्ड मास का जो नियम है ये आपको करना है। अब देखिए बी से ब्रैकेट आपको समझ में आया, और कोस ओ से ऑफ, डी से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ए से एडिशन, और एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है सबके पास सभी बुक में सबकी में दिया होगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक करते हो आप, तो एक बहुत ईजी क्वेश्चन है जिसमें सारे आपके पास सारे सारे जो हैं बॉर्ड मार्क्स पूरे यूज हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले दिया है 16 का 4, तो ब्रैकेट इसमें दिया है कि पूरे क्वेश्चन में दिया है, तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगा। क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है, बहुत टाइम आपका बचेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, 4 में 2 का भाग दिया मैंने, कितना आएगा यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट हो गया। ऑफ करना है, ऑफ का मतलब का की के, यहाँ दिया है इसको सॉल्व किया मैंने, कितना आएगा 16 चौक 64, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ के बाद में क्या दिया है, डिवीजन दिया है। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको पूरे कैसे लिख लूँगा, इंटू 2 + 6 / 2 - 1, ठीक है, कितना लिख गया 2 - 1, ये हो गया मेरा। अब ब्रैकेट हो गया मेरा, ऑफ हो गया, ठीक है, डिवीजन करना है मुझे, तो इसका भाग दूंगा मैं डिवीजन। अब देखिए यहीं सॉल्व हो जाएगा डिवीजन, 6 में 2 का भाग दिया कितना आया 3 आया, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इतना इसमें कितना आएगा 128, 16 दूनी 128। एडिशन, अब ये जोड़ करूँगा मैं, ठीक है, तो 128 और 3 जोड़ा कितना आया 131, माइनस सब्सट्रैक्शन लास्ट में तो -1, कितना आएगा 130 आंसर आएगा। आपको ये ऐसे ही करना है, आप वैसे करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। तो साथियों हाँ, हम पढ़ेंगे इकाई अंक क्या होता है। देखिए दोस्तों इकाई अंक पेपर में हमेशा इससे कोई ना क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि आप इसको कर पाओगे, स्किप कर जाओगे, चाहे पटवारी हो, चाहे फर्स्ट गार्ड हो, चाहे जेल भरी हो, चाहे CGD हो, चाहे कॉन्स्टेबल हो, कुछ भी हो, इससे क्वेश्चन 101% आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपका हर एक क्वेश्चन इसमें 100% सॉल्व होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक चीज़, एक क्वेश्चन आगे और बताना पड़ेगा मुझे, बस 2 क्वेश्चन आप करिए, आपको तीसरे क्वेश्चन देने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए पहली मेरी स्टेप क्या होगी, ये जो संख्या लिखी है इकाई अंक क्या होता है पहले वो बताया था मैं आपको, जैसे 6952 लिखा मैंने, तो उसमें इकाई अंक क्या होगा, ये होगा इकाई अंक, ठीक है, ये होगा दहाई का अंक, ये होगा सैकड़ा, ये हजार, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या होता है, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब मुझे देखिए 257 पर कहा 17, अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा 257 को मुझे 17 बार गुणा करना पड़ेगा, 257 गुणा 257 गुणा 257 गुणा 257, पूरा पेपर 3 घंटे से निकल गया भाई साहब,
जब घर आए तो क्या कहेंगे, मुबारक हो। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सही करके आया। पूछेंगे घर वाले, बेटा पेपर कैसा गया? पापा जी पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी मैं एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आया था। और फिर तुम्हारे पीछे बताइए तुम्हें उठाएंगे डंडा और दयालाल दयालाल दयालाल। तो कहेगा तू, कहेगा तेरी लाल, बंदर कहेगा मेरी लाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा इकाई के अंक आपको कैसे निकालना है। तो वो लाल वाली नौबत ना आए इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ही है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पहली जो स्टेप होगी, इन 257 में से यहाँ कुछ भी लिखा हो पीछे का सारा छोड़ देना है, मुझे ये अंक ले लेना है। तो मैंने ले लिया 7। भाई साहब बहुत बढ़िया, क्या ले लिया? 7 ले लिया, मस्त। और इस पर घात लगा दी मैंने क्या, 17। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहली स्टेप। ठीक है, स्टेप क्या हो गई मेरी, फर्स्ट हो गई। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो 17 है यहाँ साइड में, 17 में मैं दूंगा 4 का भाग। आकाश भूल गया है, और पेपर में गलत क्वेश्चन करता, क्या कर पढ़ मैथ के पढ़ रहा है बच्चों तो, हैं 4 का 4 चौक 16, कितना आया 16, रिमाइंडर क्या आया 1। बस ये भाई साहब हमारे काम के हैं, ये कोई काम के नहीं है। भले ही इनको बुरा लग रहा हो लेकिन अब ये कोई काम के नहीं है। ठीक है, बुरा लगने के लिए कोई दूल्हे का फूफा थोड़ी ना है कि बुरा मान जाएगा, या जीजा थोड़ी ना है, क्योंकि शादी में क्या होता है, दूल्हे के जीजा और फूफे गुस्सा होते हैं। तो ये क्या, जो एक बच्चा भाई साहब ये हमारे काम के हैं, तो मैं क्या करूँगा, 7 पे घात लगा दूंगा बस 1। वाह क्या बात है, अब इसका कितना आएगा आकाश, इकाई का अंक 7 आएगा ना। बिल्कुल अब यहाँ तो नहीं बता पा रहा था, लेकिन यहाँ बता दिए कितना आएगा, 7 आएगा। मुबारक हो, एक क्वेश्चन सही हो गया, 7 आया है, मुबारक हो, 7 आया है, लड़का नहीं बस 7 आया है, मुबारक हो, क्वेश्चन 1 बन गया। ये क्वेश्चन, अब आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। यदि यहाँ 250 मान लीजिए, यहाँ क्या 253 पे घात 16 होता, वाह 16 होता, तो अब पहली स्टेप तो मेरी वही होगी, 3 पे घात लगा दूंगा 16। अब मैं 16 में भाग दूंगा 4 का, 4 चौक 16, क्या आएगा 4 चौक 16, भाग पर शेषफल क्या आया 0 आया। अब आकाश क्या करेंगे, अब आएगा किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। वाह बहुत गलत आंसर। अब क्या करूंगा मैं, ये 0 आया ना, मैं तो देखिए, तो क्या करूंगा मैं, जब भी 0 आता है आपको ये चीज़ याद रखनी है मेरे साथियों, यदि आप ये चीज़ याद नहीं रखोगे तो आप यदि बारात लेके जाओगे ना तो बारात वापस लानी पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं। यदि आपने ये 0 भूल गए तो एक क्वेश्चन सिलेक्शन होगा और नहीं भी होगा, जबकि बारात जा रही हो पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ तो लात मार के भगाएंगे आपके बारात दी। ठीक है, लड़की भी लात मार के आए कहाँ से आ गए मुँह उठा गए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 3 पे घात ना लगा दूंगा, क्या 4 लगा दूंगा मेरे साथियों, कितना लगाऊंगा 4 लगाऊंगा। मुबारक हो, अब तो आ जाएगा ना। अब क्या करूँगा मैं, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो क्या करूँगा, इतना करूँगा तो कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 9, समझ में आया, कितना आएगा आकाश 9 × 81 आएगा, ये कही, लेकिन तूने गलत बताया गलत तरीके से, समझ में आया, आएगा तो ये कही लेकिन इसने गलत तरीके से बताया। तो शादियों क्या आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, कितने आदमी थे। तो साथियों अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये आपको सिंप्लीफिकेशन में इसके बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, सिंपलिज्म, ये क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आए हुए होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यदि आपको ये नहीं आता है तो आप देखिए सीखिए, और फिर भी आपको नहीं आता है तो दोबारा देखिए, और फिर भी आपको नहीं आता है तो सिंप्लीफिकेशन में इस प्रकार हम हज़ारों क्वेश्चन करने वाले हैं, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन सीख जाएंगे। तो पहले क्या होता था, हमारा बॉर्ड मास का नियम था उसे सॉल्व होगा, बॉर्ड मास का जो नियम था उसे सॉल्व होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबसेक्शन। तो पहले क्या होगा, देखिए पहले हम ये परसेंट हटाएंगे यहाँ से, तो एक्स प्लस 50/100 भागित 5 = 10, ऐसे मैंने लिख लिया, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट हटाते जब भी बटे में 100 ले लेते हैं, जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे परसेंट पढ़ेंगे तब ये और अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उसकी यही तो खासियत है, नंबर सिस्टम टॉपिक है उसकी यही तो खासियत है, इसमें हर टॉपिक यूज हो जाता है, इसमें परसेंटेज यूज होगा, इसमें लाभ आने भी यूज हो जाता है, इसमें मतलब इसमें हर चीज़ आपकी, हर टॉपिक यूज होता है मैथ का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए क्या करूँगा मैं, अभी यहाँ x दिया है प्लस ब्रैकेट ऑफ काकी के नहीं दिया, और मतलब डिवीजन मतलब भाग, अब मुझे भाग सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा 50/100। जब भी आपको ऐसा दिया हो आप यहाँ पर देखिए, अब आप इसको भाग इसमें दोगे तो कन्फ्यूजन आपका बने रहेगा, इसलिए आपको करना क्या है, भाग का आपको गुणा करना है, उसको आपको 1/5 में लिखने देना है, बहुत सिंपल है। जब भाग को मैं गुणा करूँगा तो ये बटे में आ जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इसका दूसरा मेन तरीका इसका ये है, 50/100 भागे, जब मैंने 5 किया तो इसका मैं क्या करूँगा, 50/100
बटे पूरे के बटे में 5 ये आएगा। तो अब मैं इसके बटे में एक चुटकू से एक मान लेता हूँ और फिर मैं इसको ऐसे पलटता हूँ, कितना 50/100 × 1/5 ऐसे होता है ये। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बता दिया कि जब भी भाग है उसको गुणा करना है, तो आप ऐसा कर लीजिए, समझ में बराबर 10। अब देखिएगा इसको, देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुणा मुझे सॉल्व करना है, ये पहले नहीं करूँगा मैं ना इधर ले, पहले गुणा करूँगा सॉल्व। तो इसका गुणा करिए, इसमें कितना आता है 5 से काटूँगा 10 आएगा, समझ में, और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो मेरा ये कितना आएगा x + 1/10 = 10। मुबारक हो, अब तो बहुत आसान हो गया। तो x = 10 - 10, ये सब संख्या प्लस की इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, आकाश क्या हो जाएगी -10। नहीं आया समझ में? बराबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके बटे में एक मानता हूँ, एलसीएम लूँगा, जो आप एलसीएम एससीएफ में पढ़ोगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 1 का एलसीएम ये 10 आता है, आप इतना समझ लीजिए, अभी आगे फिर और अच्छे से पढ़ेंगे। तो 1 का 10 में भाग देंगे, 10 10 आएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, माइनस 100 का 10 का 10 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 के 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, बराबर कितना आएगा आंसर 99/10 मीन्स 9.9। कितना आंसर, अच्छा आंसर आया, मुबारक हो, क्या हुआ है, मुबारक हो, 9.9 आया है। तो दोस्तों आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ, और जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें देखिए मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इनको घर पर जाकर जरूर सॉल्व करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे एक नंबर व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करिए क्वेश्चन को, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ से लिख के भेज दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8839667149। ओनली व्हाट्सअप, फ़ोन लगेगा ही नहीं, ठीक है, मत लगाना, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, केवल क्वेश्चन करो तो रिप्लाई मिलेगा, तो रिप्लाई नहीं मिलेगा फालतू क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये नंबर है, हम नेक्स्ट जब क्लास पढ़ेंगे प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, मेरी आपसे निवेदन है। और नेक्स्ट जब भी हमारी क्लासेस होगी, बहुत अच्छी क्लासेस होगी, और नया टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों ये मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स थे नंबर सिस्टम में, अब प्रैक्टिस आपको, देखिए प्रैक्टिस जब आप जितना करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतने कम नंबर आएंगे, यही रूल्स है। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, टेक केयर।